ब्रांड न्यू यूट्यूब वीडियो यू आर वॉचिंग कशिश ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ। और गाइज मैं नहाई फटाफट से और रेडी हुई बिकॉज हम जा रहे थे कमला नगर और हमें जाना है चांदनी चौक भी, बट चांदनी चौक का प्लान हमने आज ड्रॉप कर दिया क्योंकि मुझे दो तीन काम थे आज, तो मैंने सोचा कि चलो वो हम बाद में कर लेंगे। और बट पहले अभी हम कमला नगर जा रहे हैं नोना की शॉपिंग करने के लिए बिकॉज नोना का बर्थडे आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा पास आता जा रहा है। 23 फरवरी को नोना का फर्स्ट बर्थडे जो कि हम सेलिब्रेट करेंगे वन ईयर का, तो हम सब लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो अभी नोना की शॉपिंग करनी है, एक मिनट, तो अभी नोना की शॉपिंग करनी है, कुछ ड्रेसेस नोना के लिए लेनी है, मैं को भी अपने लिए गाउन साड़ी क्या लेना है मुझे भी देखना होगा। तो अभी मैं तो हो गई गाइज रेडी और मैं जा रही हूँ, मम्मी जा रही है, कोमल जा रही है, नोना जा रही है। और गाइज हमारे भाई ने तो हमसे तलाक ले रखा है तो ये हमारे साथ कहीं भी नहीं जाता। तो गाइस हम लोग चलते हैं, मैं आपको बाहर मम्मी और नोना से भी मिलवाती हूँ। यार कोमल नोना को दिखाइयो, गाइस देखो नोना कितनी प्यारी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। नोना मासी ने आपको एक हाथ से पकड़ा है। हाँ तुम दो हाथ में आओ बाबू, दिखाना नोना इसकी जैकेट देखो, ये मुझे बहुत प्यारी लग रही है। इसको मैंने ये नए वाले शूज, ये जो इसको ना आते नहीं है बट अब आने लग गए, ये भी पहना है प्यार से, टोपी पहना है। और अब हम सब जा रहे हैं घूमी घूमी करने। हम मम्मी इतना आगे चली गई, मैं आपको मम्मी भी दिखाती हूँ। गाइस रुको मम्मी रुक जाओ, आप ऐसे आगे आगे भाग क्यों रही हो? अरे रुक जाओ मम्मी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं कमला नगर और आज मम्मी बहुत टाइम बाद मुझे कमला नगर लेके जा रही है, तो कम से कम मम्मी मुझे 5-10 हज़ार के कपड़े तो दिलाई देंगे। मारूंगी ना मुंह उल्टी तरफ लगा दूंगी पीछे की तरफ। छोटी मोटी रकम है, 5-10 हज़ार रुपए क्या हो गया गाइस। सबकी मम्मी दिलाती है, मेरी मम्मी भी दिलाती है और आज ये बात का प्रूफ आपको मिल जाएगा व्लॉग में लाइव देख के, जब मम्मी मुझे कपड़े दिला रही होंगी तो मैं आप लोगों को व्लॉग बना बना के दिखाता हूं। बड़े हो गए, रोज जाते हो तुम, उल्टा कमाते, तुम मुझे दिलाओ, मैं तुम्हें क्या दिलाऊंगी? मैं तो तेरे लिए सोना सा दूल्हा ढूंढ सकती हूँ, बस वो ढूंढूंगी अपने परिवार। हमारे पड़ोस में शादी है, पता है मेरे को इतना वो लगता है ऐसे ना, कल को मैं भी कशिश की शादी यहाँ से करूँगी, प्रेरणा के मैं तो नहीं कर पाई, मैं भी बड़े जोरों शोरों से करूँगी तैयारी, आप लोग देखना। मेरे खुद की गाइज इतने सपने सपने मेरी शादी सपने, तेरी बहन के भी सपने खराब हो गए थे ना। नहीं गाइज मेरे भी बहुत सपने अपनी शादी के, मेरे काफ़ी सारे अरमान हैं जो मैं सब अपनी शादी में पूरे करूँगी, जब भी करूँगी कोई से भी साल में, आने वाले सालों में। नहीं कल तो तुमने कहा मैं ज़्यादा लेट नहीं करूँगी। कल ना गाइस मम्मी ऐसे ही बात कर रही थी तो मैं मम्मी को बोल रही, मम्मी कह रही 26-27 तक, क्या मम्मी कौन सी एज कह रहे थे? यही 25 में ढूंढूंगी। 26 तक मम्मी कह रही 25, मम्मी 25 तक तो मैं बुढ़िया हो जाऊंगी, 25 में मेरी जवानी है, मेरी शादी करना ताकि मैं शादी होकर फिर चलो मैं सजू धजू तो मैं सुंदर लगूँ, जवान सी लड़की। मम्मी कह रही हाँ वो लड़कियों को देख, मम्मी एक दो लड़कियों के फिर आसपास के उदाहरण दे रही, वो देख 28 साल की हो गई, वो देख 32 साल की हो गई। मेरी शादी, मैं आपको अपने मन की बात बताऊँ, मेरी शादी ना 17+ में हो गई थी 17 साल में, तो मतलब मैंने लाइफ में कुछ देखा ही नहीं। और जब मैं 18 की हुई तो मेरे पास प्रेरणा होने वाली थी, ठीक है, 19 में और 21 में मेरे पास ये तीन होते हैं, तो लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो शादी पहले तो शादी मेरे हिसाब से 25 से 26 साल का ही, दोनों कीर्तन करती हुई जा रही है, खुश हो रही है ना, बाहर जा रही है तो हमारा दिखा, मैं बताऊँ बच्चों को मम्मी इसको तो देखो, दोनों मासी के पास आएगा, चल ब्लॉग बना के आई हो, बता मेरे को। पहले तो बच्चों मेरा ऐसा मानना है, अगर आप लोग मेरी बात मानते तो पहले तो शादी 25 से 26 साल की उम्र के बाद ही करनी चाहिए ताकि आप भी मैच्योर हो जाए। और हाँ गाइस अभी तो जब भी मैं शादी करूंगी तो फिर ना ऐसे मम्मी कहीं भी देखते हैं फिर मम्मी मेरे को बोलती तेरी शादी में ये भी करूंगी, तेरी शादी में वो भी करूंगी, मैं कहूंगी अरे मम्मी सब करना और मैं 10 चीजें आपको और नहीं बता दूंगी, ये भी करना। अरे मैं बहुत एडवांस हूँ, मैं खुद ही इतना। तो बाकी चलो अभी तो चलते हैं कमला नगर शॉपिंग करने के लिए, मेरी मम्मी आज मुझे बहुत कुछ दिलाएंगी और चलते हैं अभी फटाफट से, देखते हैं हमें क्या क्या पसंद आने वाला है। कमला नगर इतना रश और ये इतने हॉर्न से ना गाइस मैं बहुत इरिटेट होती हूँ यार, और ये नोना बेबी तो सो गया है और अब हम मार्केट इंजॉय करेंगे गाइस, बहुत सारे कपड़े लेंगे। ये रे मैंने जो कहा था मेरी नोना के लिए गाइस, मैं आ तो गई मार्केट और ना मैं अभी तक अपने कपड़े नहीं देख पा रही, मम्मी को जो जो पसंद आ रहा है मम्मी वो सब पहना के दिखा रही है। वो जो सामने वो ले ले जो आएगा वो भी सब है, सही चीज है, उसका कलर भी है कबाड़ा है, सोचो या फाइनल है, कितना अच्छा लग रहा है। दूसरा कलर कौन सा, देख छोटा सा चाहिए था, बच्चों यहाँ पे कितनी सारी जैकेट ही जैकेट है और मुझे जो पसंद आ रही है वो कशिश ले ही नहीं रही है, अपनी पसंद से लेगी पता नहीं। इसका प्राइस दिखा दे जरा, ये देख लो ये मेरे को लाई है और फिर बार बार ये बच्चों बोलती है कि मैंने कुछ नहीं लिया, और मेरा बच्चे ने अभी कुछ भी नहीं लिया, मेरे बेटा सो के उठा अभी, अब मेरे बेटे को दिलाऊंगी, अब मत बोलिए कुछ नहीं दिलाते मुझे,
बाकी मैंने गाइस अपने ड्रेस ले लिया और अब हम चलते हैं लूना के लिए कपड़े लेने के लिए। नहीं यहाँ पे ना ये बहुत फेमस राजमा चावल कढ़ी चावल छोले कुलचे मिलते हैं, मामी प्रेग्नेंट थी ना हम यहाँ के बोल तो मम्मी को ये अच्छे लगते हैं और मुझे भी इनके राजमा चावल पसंद है तो अभी हमने ये लिया है खाने के। देखो अपनी ड्रेस खुद पसंद कर रही है, हम दोनों की बर्थडे ड्रेसेस देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे ड्रेसेस। ये बच्चा देखो गाइस खुद अपनी ड्रेस से पसंद कर रहा है। वो फिरोजी वाला देखते हैं, उन्होंने के ड्रेसेस देख रहे हैं हम लोग और ये इतने सारे अभी हम सिलेक्ट करेंगे कौन सी लेनी है हमें नोना के लिए। मम्मी वहाँ पे कुछ नोना के लिए देख रही है। तो बच्चों नोना अपने लिए कलर चूज कर रही है और अभी भैया बोल रहे हैं कि 3 दिन लगेंगे, उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है, आपने बोला नहीं, बट फिर भी हम देख लेते हैं बेस्ट से बेस्ट क्या ले नोना के लिए, आप लोग भी कमेंट करके बताते रहना। कोई बारबी डॉल जैसे कपड़े, पार्टी की ड्रेस हम ले रहे हैं इस शॉप से, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। हमने गाइस नोना के बहुत सारे कपड़े ना लिए, मैंने यहाँ से काफी कपड़े जो इसके पार्टी में ड्रेस यहाँ पे ना गाइस बच्चों के बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं यहाँ पे, विंटर सेल भी है गाइस। अभी तो हमने ये देखा है गाइस हम डांगरी ले रहे हैं, तो देखो ना हम देख रहे हैं कि जीन्स का लेंथ कितना रहेगा, इसलिए अब इसके लिए डांगरी अब इसको यहाँ पे पहना के देख रहे हैं। ये ना एक ड्रेस के साथ में भी आप बैठो, मासी मेरी नहीं आएंगे तो ऐसे नहीं आएंगे, तो नहीं लॉन्ग टेल नहीं है, टेल सही ना। और हमने ये सारी ड्रेसेस भी पसंद करी हैं, अभी हम इसमें से फाइनल करेंगे, दो तीन तो ड्रेस लेनी पड़ेगी मेरे जूते। गाइज ये देखो हमने नोना की दो फ्रॉक ली है इसमें और वो हम आपको दिखाएंगे घर जाके, और उसमें क्यों अब नोना सीधा बर्थडे पे, अच्छा नोना के बर्थडे पे ही देखेंगे। और ये बाकी कुछ नोना के स्वेट शर्ट वगैरह जीन्स वगैरह और टॉप्स वगैरह है वो भी हम लेंगे, वो तो मैं चलो आपको दिखा दूंगी घर जाके। और अभी गाइज मुझे जाना था कहीं तो बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, तो अभी हम चलते हैं घर पर फटाफट से। सुनो एक कहती उधार सुधार, एक कहती कौन देसी, कहती लाला बैठा ना, लाला बैठा लाला बैठा लाला बैठा लाला बैठा लाला बैठा लाला बैठा लाला बैठा, अब मेरे को करो, अब मेरे को करो, करो मेरे को। आप एक कहती के खावा, एक कहती किधरों लियावा, एक कहती उधार सुधार, एक कहती कौन देसी, कहती लाला बैठा ना, इसको लाला बोलते हैं अंगूठे को, लाला बैठा लाला बैठा लाला बैठा, नोना की दीदी मस्ती करना, घोड़ा ये घोड़ा। गाइज आज 23 है फिर से, तो नोना 11 मंथ्स कंप्लीट हो चुकी है और अब आने वाले 23 को नोना 1 साल की हो जाएगी। मेरे ढोलना ढोलना। हाय गाइज गुड मॉर्निंग, तो गाइज मैं सो के उठ चुकी हूँ, पता है आपको पूरे 12 से भी ज्यादा टाइम हो रहा है, 12:30 हो रहे हैं और मैं सो के उठी, और मैं रात को यार अपना ब्लॉग पूरा कंप्लीट कर ही नहीं पाई थी बिकॉज मैं कहीं गई थी। मैं कहाँ गई थी मैं बता, तो आपको पता है कल ना मैं कहीं गई थी, बट मैंने ना यार वहाँ पे अपना ब्लॉग शूट नहीं करा, फिर मैं सोच रही थी कि यार ब्लॉग थोड़ा छोटा बन गया तो मुझे शूट कर लेना चाहिए था, बट तब मैंने ये बात नहीं सोच के ब्लॉग शूट नहीं करा। तो गाइज मेरे ना कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझसे काफ़ी बड़े हैं, तो मैं उनके साथ गई थी, एक दी हैं मेरी हनी दीदी, उनकी एनिवर्सरी थी कल, तो मैं वहाँ गई थी मन्नत हवेली में भी, तो हाँ मैं वहाँ गई थी और फिर मैं बहुत ज़्यादा तैयार होके भी गई थी यार, नए कपड़े लाई थी वही पहन के गई थी जो मैंने आपको व्लॉग में भी नहीं दिखाया यार कि मैंने क्या पहना था, बहुत ही बुरा फील हो रहा है अब कि मैं क्या पहन के गई थी, बट मैं वो कपड़े फिर से पहनूंगी ना तब आपको बताऊंगी कि मैं न्यू कपड़े लाई थी और मैं वो पहन के गई। और उनकी एनिवर्सरी थी तो उनकी फैमिली और एक और आंटी है मेरी उनकी फैमिली, हम सब गए थे घूमने फिरने और हमने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पर, बहुत मज़ा आया, और मुझे वहाँ पे मेरे काफ़ी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स भी मिले थे जो कि बहुत अच्छे थे और उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बट हाँ मैं उनके साथ भी व्लॉग शूट नहीं कर पाई बिकॉज कोई था नहीं ना मेरा व्लॉग बनाने के लिए, मैं उनके साथ गई थी तो मैं अकेली थी तो फिर व्लॉग कौन बनाता, तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी मैसेज आऊँगी तो मैं मिलवाऊँगी आप लोगों को भी उनसे। बाकी चलो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा, और नोना के कपड़े भी मैं आपको जल्दी दिखाऊँगी, और मे बी आज हम लोग भी चांदनी चौक जाएँ अपने लिए शॉपिंग करने, तो मैं सोच रही हूँ गाइस कि मैं क्या लूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना
कि मैं साड़ी लूँ, कोई लहंगा लूँ, कोई गाउन ड्रेस लूँ, कोई क्रॉप लहंगा टॉप लूँ, क्या लूँ, कमेंट कर आप लोग मुझे बताना, फिर मैं चांदनी चौक जाऊँगी तो मैं अपनी भी ड्रेस फाइनल करूँगी फटाफट। गाइस आप लोग ना बहुत सारे कमेंट्स करके बताना कि मैं क्या लूँ, और जो मैंने नोना के लिए दिखाई थी उसमें से हमने नोना की दो ड्रेस फाइनल करी है, तो वो मे बी आपको ब्लॉग में दिखी होंगी, बट आप अपनी चॉइस बताना कि आप लोगों को कौन सी अच्छी लगी। नोना का बर्थडे पास आता जा रहा है, सारी तैयारियाँ फटाफट करनी है, तो आज शायद मम्मी जाएंगे, मम्मी मैं और प्रेरणा भी मे बी, और नोना गाइस अभी तक सो रही है, देखो मे बेबी। तो गाइस चलो इसी के साथ मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड, आपसे मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इंजॉय करो ये वाली वीडियो। और बेबी मासी के पास उठ गए आप? गुड मॉर्निंग बेबी, गाइस देखो स्माइल कर रही है। गाइस ये बहुत प्यारा बच्चा है। गाइस चलो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड, मेरा बच्चा भी उठ गया, मैं इसको भी खिलाऊंगी, माशी ले रही है, रुक जाओ, और आप इंजॉय करो ये वाली वीडियो, इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगी न्यू ब्लॉग के साथ, बाय बाय। चलो बाय कर दो। गाइस देखो ये उठी है ना, उठ के बैठ गई, देख रहे हैं उसको, से बाय बेबी। नहीं गाइस चलो मैं इसे प्यार करूंगा, बाय।